सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि साथियों, पूरे प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित कर चुका है, जिनमें से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना है। उसके लिए साथियों, इस समय मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की तिथियां सभी जिलों में घोषित हो रही हैं और उनके प्रशिक्षण भी प्रारंभ होने वाले हैं। तो साथियों, मतदान कर्मी किसी भी विभाग के कर्मचारी हों, किसी की भी ड्यूटी, पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी एवं तृतीय मतदान अधिकारी में लगाई जा सकती है। और आप पहले से भी अवगत हैं कि आपकी सूचनाएं जिला निर्वाचन कार्यालयों में आपकी पहुंच चुकी हैं। किसी की भी ड्यूटी किसी भी ग्राम पंचायत में लगाई जा सकती है। तो साथियों, उसके लिए पंचायत चुनाव संबंधी प्रश्नोत्तरी कुछ निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई हैं, जिनमें से 40 प्रश्नोत्तरी इलेक्शन क्विज के माध्यम से पूछी गए हैं, जो जब आप प्रशिक्षण देंगे, आप प्रशिक्षण में प्रतिभाग करेंगे, उस प्रशिक्षण के दौरान इन प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि ये 40 प्रश्न कौन से हैं जो प्रत्येक मतदान कर्मी को जानकारी होनी चाहिए। और ये वीडियो यदि आपको उपयोगी लगे, पसंद आए, तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दें और वीडियो के अंत में लाइक कर दें और अपने मूल्यवान सुझावों को हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथियों, शुरू करते हैं। वह 40 क्वेश्चन इलेक्शन क्विज के नाम से कौन से हैं और कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। साथियों, देखते हैं पंचायत चुनाव संबंधी प्रश्नोत्तरी क्या हैं। पहला क्वेश्चन है, एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी रहेगी। ए ऑप्शन में 350, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 800। साथियों, यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 800 एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या रहेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों में वार्डों को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार के सदस्यों को कितने मतदान स्थल पर रख सकते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 भी नहीं, ऑप्शन डी 1 साथ कई जगह रख सकते हैं। यहाँ पर साथियों, यदि वार्डों को तोड़ा भी जाएगा तो एक ही मतदान स्थल पर परिवार के सदस्यों में से एक ही परिवार के सदस्यों को एक स्थान पर रखा जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। साथियों, पहले से भी आप जानते हैं कि 18 है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है, सफ़ेद, नीला, गुलाबी, हरा। तो साथियों, BDC मेंबर्स के लिए जो बैलेट पेपर है उसका कलर है नीला रंग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रधान या ग्राम पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है, ए सफ़ेद, बी नीला, सी गुलाबी, डी हरा। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रधान पद के प्रत्याशी का जो बैलेट पेपर होगा वो ग्रीन कलर का होगा, हरे रंग का होगा। ये पांचवा क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए किस रंग का निर्धारित किया गया है, गुलाबी, हरा, नीला, सफ़ेद।
तो यहाँ पर आपका सफ़ेद डी ऑप्शन करेक्ट होगा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, सदस्य जिला पंचायत के लिए कौन सा रंग दिया गया है? सफ़ेद, लाल, नीला, गुलाबी। तो साथियों, सदस्य जिला पंचायत के लिए मतपत्र का जो कलर होगा बैलेट पेपर का, वो गुलाबी कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, मत पेटिका किस स्थिति में दी जाएगी? तीन मत पेटिका किस स्थिति में दी जाएगी? पहला ऑप्शन, दो पदों पर निर्वाचन होने की स्थिति में, एक पद के निर्वाचन स्थिति में, चार पदों स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो। डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो यहाँ पर साथियों, सी ऑप्शन आपका चार पदों स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में तीन मतपेटियाँ आपको दी जाएंगी। यह आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? उनकी पसंद के अनुसार, पद के अनुसार, वर्ण क्रम के अनुसार, या नाम के अनुसार, स्थल के अनुसार? तो यहाँ पर साथियों, प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह जो आवंटित किए जाते हैं चुनाव विभाग से, सी ऑप्शन, वर्ण क्रम में उनके नाम के अनुसार अल्फाबेटिकली इशू किए जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10, मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किस पर लिए जाते हैं? पीठासीन की डायरी पर, चुनाव चिन्ह पर, प्रतिपरण पर? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्रतिपरण सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मतपत्र के पीछे रबर की सुभेदक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? सेक्टर मजिस्ट्रेट के, बी ऑप्शन पीठासीन अधिकारी के, सी ऑप्शन प्रथम मतदान अधिकारी, डी ऑप्शन द्वितीय मतदान अधिकारी। तो साथियों, मतपत्र के पीछे रबर के सुभेदक सील के नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मतदाता के मध्यमा पर अमिट स्याही कब लगाई जाती है? एक से अधिक मतदान की स्थिति में, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली ना होने पर, उनकी इच्छानुरूप? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मध्यमा पर अमिट स्याही कब लगाई जाती है? बाएं हाथ की तर्जनी उंगली जब मतदाता के ना हो, उस स्थिति में मध्यमा पर अमिट स्याही लगाई जाती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, मतांकन किस अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा? पहला ऑप्शन, जिलाधिकारी महोदय, द्वितीय मतदान अधिकारी महोदय, सी प्रथम पीठासीन अधिकारी, और डी निर्वाचन अधिकारी। तो साथियों, यहाँ पर डी ऑप्शन निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई एरो क्रॉस सील से ही मतांकन किया जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, मतदान का समय क्या रहेगा? प्रातः 6 बजे से सायं 5 बजे तक, प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक, 7 बजे से सायं 6 बजे तक, जब तक सभी मत ना पड़ जाएं। तो साथियों, पहले मतदान का समय हुआ करता था 7 बजे से 5 बजे तक, लेकिन अभी परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें से सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए फार्म का मूल्य व प्रतिभूति धनराशि कितनी तय की गई है? क्रमशः 300 रुपये, 2000 रुपये, क्रमशः 500 रुपये व 2500 रुपये, क्रमशः 200 रुपये व 1500 रुपये, क्रमशः 150 रुपये व 4000 रुपये। तो यहाँ पर साथियों, ए ऑप्शन आपका ग्राम प्रधान पंचायत के लिए फार्म की शुल्क है 300 रुपये व 2000 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रतिभूति धनराशि व अधिकतम व्यय कितना निर्धारित किया गया है? 3000 से 50000 रुपये, 4000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1500 रुपये, 75000 रुपये, 2000 रुपये, 80000 रुपये। तो
क्वेश्चन नंबर 16 में साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 4000 रुपये प्रतिभूत धनराशि और अधिकतम व्यय 1.5 लाख रुपए रखी गई हैं सदस्य जिला पंचायत के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, टेंडर बोर्ड का एक अन्य नाम है निविदित मत, अभ्याक्षेपित मत, चैलेंज मत, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों टेंडर बोर्ड का दूसरा नाम निविदित मत भी कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतपत्रों की सील होती है एक बॉर्डर वाली, दोहरे बॉर्डर वाली, तीन बॉर्डर वाली और चार बॉर्डर वाली। क्वेश्चन नंबर 18 में साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो आपको क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के लिए सील मिलेगी वो दोहरे बॉर्डर वाली होगी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक पद स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कितनी प्रामाणिक सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी, ए 4, बी ऑप्शन में 5, सी ऑप्शन 6, डी में 3। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 3 प्रमाणित प्रत्याशियों की सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20, मतदान स्थल के इर्द गिर्द कितने मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर व 200 मीटर। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 200 मीटर के इर्द गिर्द कोई भी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, मतपत्र को किस तरह से मोड़ा जाता है, बैलेट पेपर को साथियों किस तरह से फोल्ड करेंगे, ऑप्शन ए खड़ा या वर्टिकल, पड़ा या हॉरिजॉन्टल, पहले खड़ा और बाद में पड़ा, किसी भी प्रकार से। तो साथियों यहाँ पर 21 में आपका सी ऑप्शन, पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा, प्रपत्र 11, प्रपत्र 17, प्रपत्र 25, प्रपत्र 35। तो यहाँ पर साथियों प्रपत्र सी आपका ऑप्शन, प्रपत्र 25 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मत पेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के कितने मिनट पहले शुरू कर देना चाहिए, ऑप्शन ए 15 मिनट, ऑप्शन बी 20 मिनट, ऑप्शन सी 25 मिनट, ऑप्शन डी 35 मिनट। तो साथियों 23 ऑप्शन आपका, 20 मिनट पहले मत पेटी तैयार करने के लिए आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहले शुरू कर देना चाहिए मतदान प्रारंभ होने के 20 मिनट पहले, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति पर कब विचार किया जाएगा, जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कर दे, स्वयं के मतदाता होने का साक्ष्य दे, आपत्ति को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यह मतदाता को फर्स्ट ऑप्शन आपका, जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कर दें, यह ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 24 नंबर पे। 25 नंबर क्वेश्चन, निविदत मतपत्रों को मतगणना में कब शामिल किया जाएगा, ऑप्शन ए किया जाएगा, ऑप्शन बी नहीं किया जाएगा, ऑप्शन सी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डी ऑप्शन जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। तो साथियों ये निविदत मतपत्र की मतगणना तब की जाती है जब निकटस्थ प्रतिद्वंद्वी जो प्रत्याशी होते हैं दोनों के समान वोट होते हैं, उस समय टेंडर वोट की गणना निर्वाचन विभाग करवा सकता है।
तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्र पत्रों की संख्या लिखनी होती है? क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 1, क्रमांक 4। तो सी ऑप्शन आपका क्रमांक 1, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में, क्रमांक 1 में लिखी जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, उन मतपत्रों का हिसाब मतपत्र लेखा की किस क्रमांक में देना होगा जो प्रयोग में तो लाए गए हैं परंतु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए हैं? क्रमांक 3, क्रमांक 2, क्रमांक 1, क्रमांक 4। ये आपका डी ऑप्शन क्रमांक 4 पर उल्लेख किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, आपत्तिकृत मतों की सूची किस प्रपत्र में है? प्रपत्र 25, प्रपत्र नंबर 39, प्रपत्र नंबर 29, प्रपत्र नंबर 21। 28 ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, प्रपत्र 29, 29 नंबर प्रपत्र में आपत्तिकृत मतों की सूचना दर्ज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप किस प्रपत्र में होगा? मतदान एजेंट, पोलिंग एजेंट जो होंगे, प्रपत्र 2, प्रपत्र 8, प्रपत्र 16, प्रपत्र 24। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्रपत्र 24 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मतपत्र एवं एरोक्रास सील का प्रभारी कौन होता है? प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, द्वितीय मतदान अधिकारी मतपत्र एवं एरोक्रास सील का प्रभारी होता है। आपका बी करेक्ट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या में है? प्रपत्र 4, प्रपत्र 37, प्रपत्र 39, प्रपत्र नंबर 42। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, प्रपत्र नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 32 साथियों देखिए, प्रपत्र 35 में किसका उल्लेख है? मतदान स्थल, टेंडर बोर्ड, पीठासीन अधिकारी की डायरी, निक्षेप धनराशि की रसीद। यहाँ पर आपका साथियों सी ऑप्शन पीठासीन अधिकारी की डायरी का उल्लेख प्रपत्र 35 में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतदान की क्रिया किस नियम में उल्लेखित है? नियम 23, नियम 35, नियम 24, नियम 21। सी आपका ऑप्शन करेक्ट है, नियम नंबर 24, मतदान की प्रक्रिया उल्लिखित होती है। क्वेश्चन नंबर 34, मत पेटियाँ किस नियम के अंतर्गत आती हैं? नियम 25, नियम 26, नियम 27, नियम रूल्स नंबर 28। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, नियम रूल्स नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 35 साथियों, मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था किस नियम में है? रूल्स नंबर 43, रूल्स 38, रूल्स 28, रूल नंबर 30। सी ऑप्शन रूल्स नंबर 28, मतदान की गोपनीयता की व्यवस्था रखी गई है। मतपेटी का प्रभारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी। तो साथियों मतपेटी का प्रभारी ऑप्शन डी तृतीय मतदान अधिकारी, थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, पोलिंग पार्टियों की रवानगी किस दिन होगी? ए ऑप्शन मतदान से एक दिन पूर्व, मतदान से दो दिन पूर्व, मतदान की पूर्व संध्या पर। डी ऑप्शन मतदान वाले दिन प्रातः 6 बजे। साथियों पोलिंग पार्टियों की रवानगी मतदान से एक दिन पूर्व मतदान स्थल के लिए होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, मतदाता मतपत्र पर किस प्रकार की सील से मत अंकित करेगा? कॉपर सील, ब्रास सील, एरोक्रास सील, सुभिन्नक चिन्ह। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन सी एरोक्रास सील, एरो क्रास सील
का उपयोग करके मतदाता मतपत्र पर अपनी मत अंकित करेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन सी घोषणा नहीं की जाएगी? ऑप्शन ए मतदान शुरू होने के पूर्व की घोषणा, ऑप्शन बी द्वितीय पेटी के प्रयोग की घोषणा, ऑप्शन सी मतदान समाप्त होने की घोषणा, ऑप्शन डी साथियों मत पेटी जमा करने की घोषणा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन साथियों 40 नंबर, मत पत्र के पीछे सुविन्नक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे? ए ऑप्शन पीठासीन अधिकारी, बी ऑप्शन फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सी ऑप्शन सेकंड पोलिंग ऑफिसर एंड थर्ड ऑप्शन थर्ड पोलिंग ऑफिसर। तो साथियों यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सुभिन्नक सील के नीचे होंगे। साथियों आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो के अंत में लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।